परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं रेशनल नंबर, पर इसके पहले नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका पार्ट वन डाल चुके हैं और ये है आपका पार्ट टू, जिसमें कि हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, इन जैसे चीज़ों पे हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ ही अगर आपको कंटेंट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो है ये क्या है, रेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएँ। तो रेशनल नंबर जब भी आता है, काफ़ी बार पेपर में इस प्रकार से पूछता है कि एजर्शन और रीज़न वाले में, या तो फिर उसमें से आपको पहचानना है कि रेशनल नंबर क्या है, या तो उसको निकालने के लिए दे देता है। तो रेशनल नंबर यहाँ पे हम सबसे पहले इजी में एकदम समझेंगे कि रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि इसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, मैंने आपको पार्ट वन में पहले ही बताया हुआ है ये तीनों चीज़ें, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जितने आप जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल है। होल जब लग गया तो होल दैट मीन्स 0 से स्टार्टिंग होगा, 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इज योर इंटीजर्स, इंटीजर्स भी मैंने आपको बताया हुआ है, इंटीजर्स क्या है, जिसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं और 0 के साथ। तो ये तीनों नंबर्स जिसमें आएंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका रेशनल नंबर होता है। तो काफ़ी बार ये पूछ देता है कि एन इंटीजर इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, तो उसका आंसर होता है हाँ। बट क्या इंटीजर रेशनल नंबर होगा? नहीं, रेशनल नंबर के अंदर जो है इंटीजर आपका लाइक करेगा। उसी तरह होल नंबर क्या रेशनल हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, पर क्या हर होल नंबर रेशनल नंबर होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन हमें काफ़ी बार देता है, तो इसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए नेचुरल रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर हमेशा याद रखिए कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। कोई भी रियल नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन का फॉर्म ऑफ a बाई बी, पी बाई क्यू, जिसमें आपका मन करे आप उसमें उसको समझ सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन जानते हैं, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो कि a बाई बी के फॉर्म में रिटन हो वो रेशनल है, लेकिन ये इनसफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि a बाई बी के फॉर्म में तो होनी चाहिए, तब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0। ये भी तो आपका किस फॉर्म में है, ये भी तो आपका रेशनल फ्रैक्शन के ही फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है बट क्या ये रेशनल है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट ये हमारा है ये इनकम्प्लीट है। मतलब क्या है, अगर हम a बाई बी को ही मान लेते हैं कि a बाई बी के फॉर्म में हो, साथ में a और b क्या होने चाहिए, a और b आपके इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। a b बिलोंग्स टू इंटीजर और उसके साथ ही जो आपका डिनोमिनेटर है मतलब जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तभी यही केस जब होगा तभी आपका क्या होगा, कोई भी डिजिट आपकी क्या होगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कभी भी जैसे हमने ले लिया 6/5, तो 6/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, a बाई बी के फॉर्म में भी है, तो a बाई बी के फॉर्म में है और 6 और 5 दोनों इंटीजर्स भी है, तो 6 और 5 बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये बिलोंग्स का साइन है, 6 और 5 किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर को आपको पॉजिटिव भी है नंबर और निगेटिव वाला भी है। रियल लाइन पर मैंने आपको पार्ट वन में बताया है 6 और 5 बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या 5 0 के इक्वल है? नहीं है। तो दैट मीन्स ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q क्या हो, बिलोंग्स टू इंटीजर और q वहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और डेफिनेशन आप कर सकते हैं, रियल नंबर, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है, रियल लाइन पे हैं, रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम एक तरीके से फ्रैक्शन के तौर पे राइट कर सकते हैं, वही आपका क्या है, रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए कि अगर यही रेशनल नंबर में, ये याद रखिएगा तीनों चीज़ें कि आपका इसमें नेचुरल नंबर भी लाइक कर जाता है, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। अगर हम इसको आपको नंबर लाइन पर दिखाएं कि कैसे लाइक कर रहा है, तो देखिए ये एक नंबर लाइन बनाई है मैंने, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स है इस साइड, इधर है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो आपको कल बताए थे कि इधर के जो हमारा राइट साइड है वो किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव, निगेटिव वाला जो है लेफ्ट साइड में, और 0 न्यूट्रल है, वो न तो पॉजिटिव होगा न तो निगेटिव होगा। क्लियर, अब इस केस में देखिए नेचुरल नंबर आपका कहाँ है, तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ से आगे वो जितना भी जाएगा वो सारा के सारा नेचुरल नंबर होगा,
नेचुरल नंबर हो गया हमारा 1, 2, 3, 4 ऑल काउंटिंग. अब अगर हम होल को इंक्लूड कर दें तो यहाँ जीरो से हमको लेना पड़ेगा, जीरो से आपका आगे कहीं तक भी जाए वो पूरा हो जाएगा. ठीक है, ये आपका हो गया होल नंबर. अब अगर मैं इंटीजर्स की बात करती हूँ तो इंटीजर में तो ये भी आएगा, जीरो भी तो आ रहा है इंटीजर में. क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है जीरो इज एन इंटीजर और नॉट, तो ये वो है. तो अगर आप नंबर लाइन की सहायता से इसको अच्छे से समझ लेंगे कि रेशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं क्या क्या नहीं लाई करती. जीरो एक रेशनल नंबर है तो हाँ है. ठीक है, कई बच्चे जीरो को रेशनल नंबर नहीं मानते जबकि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा, ऊपर वाला तो हो ही सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा कि जीरो किस में लाई कर, और ये आप तभी समझेंगे जब आप इसको अच्छे से समझेंगे. अब उसके बाद जब हमारी बात आती है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और निगेटिव भी. तो ठीक उसी तरीके से अब ये जो इधर वाला पोर्शन है हमारा, ये निगेटिव वाला पूरा, ये भी इंक्लूड होगा और साथ में ये जो हमने इंक्लूड किया है ये भी. तो अगर आप इसको हाफ न करके आप इसको क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए. मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हमारी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे. तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये आपका एक नंबर लाइन है जिस पे आप रेशनल नंबर को डिनोट कराएंगे. तो रेशनल नंबर नेचुरल भी होगा, रेशनल नंबर होल भी होगा. तो नेचुरल कहेगा तो 1, 2, 3, 4 से लेकर काउंटिंग सारे करते जाइए. होल है तो इट इंक्लूड जीरो, और जब इंटीजर कहे तो पॉजिटिव भी जोड़ेंगे, जीरो भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे. इसका मतलब उसके अंदर नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया और इंटीजर भी आ गया. आ गया, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं. तो अगर आप इसको वेन डायग्राम में समझते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटे में कौन है, नेचुरल नंबर है, एन से डिनोट कर दिया. फिर कौन है, होल है, होल से कर दिया. अब उसके बाद आपका क्या है, इंटीजर है. कौन है, इंटीजर, जेड से कर दिया. ये पूरा के पूरा क्या है, आपका रेशनल है. समझ में आ रहा है, सब आपके रेशनल के अंदर ये तीनों चीज़ें क्या कर जाती हैं, लाई करती हैं. ठीक, तो ये तीनों चीज़ें लाई करती हैं. तो आई होप कि आपको रेशनल नंबर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं वो आपको समझ में आया हो. तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि नेचुरल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर है, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, वो कितने प्रकार से हम उसको जो है राइट कर सकते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं. तो अगर हम उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका, अपने रेशनल नंबर का, तो वो दो प्रकार से होती हैं. एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग. इसके और भी कई नाम होते हैं, जो टर्मिनेटिंग है एक रिपीटिंग. दो आपके जो मेजर हैं वो यही है, टर्मिनेट करना. टर्मिनेट का मतलब होता है लास्ट, एंड होता है. और रिपीट का मतलब जो बार 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 एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न क्या कर रहा है, वहाँ पे रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है. तो टर्मिनेट जहाँ आएगा वहाँ हम वैसे रेशनल नंबर को देखते हैं कि जिसको आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के कुछ संख्याओं के बाद आपको कंप्लीट जो है रिमाइंडर जीरो मिल जाता है. जबकि जब रिपीट होता है तो रिपीट में रिमाइंडर हमें कभी ज़ीरो नहीं मिलता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम टर्मिनेटिंग को देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल देखें, तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 75. अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, 2, 3 जा 6, यहाँ हो गया 115. अब ये 27 जाएगा, 2, 7 जा 14. अब यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया, हमने पॉइंट लगा दिया, ज़ीरो आ गया. 2, 5 जा 10, तो आ गया 37.5. तो ये जो हमारा इसके बाद रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया ना, और ये कंप्लीट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है. हो सकता है डेसिमल के बाद 1 डिजिट जाए 2 डिजिट जाए 3 डिजिट जाए, बट वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है. बट जब हम रिपीट वाले में आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, कि जो टर्मिनेट नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता है. ठीक है, तो अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं तब क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमेशा याद रखिए कभी भी ख़त्म नहीं होता है. जैसे मैं 20 ले लूँ, 20 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3, 6 जा 18, ये कितना हो जाएगा, 2. अब यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, 0, 3, 6 जा 18, फिर 2. अब फिर से हम पॉइंट लगाएं तो एक और 0 अगर हम बढ़ा देते हैं, तो ये आगे इसी तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा. और उसी तरीके से यहाँ की संख्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, 6.6666, वो बढ़ती ही जाएगी. तो ये क्या है, एक रिपीट पैटर्न होता है इसमें. ये भी चीज़ याद रखिएगा कि 66 तो है, तो ये पैटर्न 666 चलता रहेगा. जैसे यहाँ 0.333 जा रहा है, यहाँ 0.676767 जा रहा है. तो ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल है. इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से समझिए.
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो टाइप्स हो गए रेशनल के, अब अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है, जो नंबर आपका क्या होता है रेशनल नहीं होगा वही आपका क्या हो जाएगा इरेशनल होगा। तो इरेशनल में क्या है कि जहाँ पे जो आपका ए और बी है ये दोनों क्या हैं, हम इस फॉर्म में जिनको नहीं लिख पाते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वही आपका क्या है इरेशनल। क्यों? क्योंकि रेशनल में क्या था, ए बाई बी फ्रैक्शन था जिसको हम लिख रहे थे, बट यहाँ पे अब क्या है कि हम इसको इस फॉर्म में ए और बी के फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए रूट टू, तो रूट टू की क्लियर वैल्यू हमको नहीं पता, हम 1.414 इसके आगे बहुत सारी वैल्यू, बट हम इसको लिख देते हैं। पाई की वैल्यू आपकी हो गई 22/7 हो गई, अब जो सेकेंड वाली है आपकी 3.14 नहीं 22/7, ठीक है, पाई की जो वैल्यू है ये हो गई, इसके बाद रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गए, ये सारी वैल्यू क्या है आपकी इरेशनल नंबर में आती हैं। तो आप इसको याद रखिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ आपसे सिर्फ बेसिक कभी कभी पहचानने को ही दे देता है कि इसमें से कौन सी रेशनल है कौन सी इरेशनल, तो ये याद रखिएगा, इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर आपको क्वेश्चन में रेशनल दिया है तो रेशनल में हमेशा नंबर लाइन से याद करिएगा कि इसमें नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, और उसके साथ ही आपके इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं, और ये ए बाई बी के फॉर्म में होता है जहाँ पे जो ए और बी है, मतलब जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों संख्याएँ क्या होती हैं आपकी इंटीजर्स होती हैं, और उसके साथ ही जो डिनोमिनेटर है जो बी है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, किस केस में, रेशनल नंबर के केस में। तो आई होप कि आपको रेशनल नंबर का ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने रेशनल नंबर देख लिया और इरेशनल नंबर भी देख लिया, और रेशनल नंबर की जो दो टाइप्स थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स में, उसमें भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स में बहुत सारे लर्नर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, प्राइम नंबर में सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, प्राइम इज इक्वल टू टू, ठीक है। प्राइम नंबर है तो प्राइम से आपको क्या याद रखना है, पी टू आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं आप पी टू? पी टू क्या है आपका प्राइम नंबर, और ये क्या है, इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हैं, तो पी टू आपको याद रखना है कि पी टू, ठीक है। तो पी टू क्या है, प्राइम नंबर, और जिसके कि दो फैक्टर्स हैं, जिन लर्नर्स को अगर ये चीज़ याद नहीं होती है ये उनके लिए है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि प्राइम नंबर पहली चीज़ क्या है, ये होल नंबर है। तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जो आपसे क्वेश्चन दे तो अगर वो प्राइम नंबर लिखता है तो प्राइम नंबर आपका होल नंबर भी हो सकता है। होल नंबर होने का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर नेचुरल लिख दे सिर्फ तो नेचुरल नहीं, क्योंकि इसमें ज़ीरो इंक्लूड रहता है। इसके अलावा आपको ये भी दे सकता है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, जो मैंने आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप एकदम अपने दिमाग में रखिए, और एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं ये पॉजिटिव इंटीजर लिख रही हूँ, होल नंबर लिख रही हूँ। जिन लर्नर्स को नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार और इस चीज़ को देखें, आपका ये नंबर लाइन है, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इधर है आपका पॉजिटिव 1, 2, इधर आपका है निगेटिव -1, -2। अब जब ये नेचुरल है तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या है, एक होल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग है हमको निगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, इस पूरे पोर्शन से हमको मतलब है, हमको निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। जब आप किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर की, क्योंकि प्राइम नंबर निगेटिव नहीं होते हैं। ज़ीरो यहाँ पे इंक्लूड है, ज़ीरो क्या है, इंक्लूड है, क्योंकि हम कहाँ से ले रहे हैं, होल नंबर से, न कि नेचुरल नंबर से। तो ये क्या है, दो चीज़ आपको याद रखनी है प्राइम नंबर में, एक तो होल नंबर है तो मतलब स्टार्टिंग ज़ीरो से, और दूसरा इंटीजर होगा बट पॉजिटिव इंटीजर। क्यों, क्योंकि इंटीजर आपका निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी, बट यहाँ हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की हम यहाँ पर बात करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ आपको इंटीजर के इसके केस में, प्राइम नंबर के केस में आपको याद रखनी है। अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो आप इन दोनों को लिख दीजिए, क्योंकि एजर्शन जो कथन और जो रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं अभी कथन वाले, उसमें ये दे देता है, तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी है जो बेसिक है, तो ये याद रखिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके दो फैक्टर, इसके अलावा इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, दो, पी टू, प्राइम नंबर इज इक्वल टू टू फैक्टर। अब वो दो फैक्टर कौन से होते हैं, तो एक फैक्टर तो वन,
वन हर टेबल से कटता है तो वन तो सब में ही आ जाएगा क्योंकि वन सबका क्या है, फैक्टर है। उसके अलावा इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब जो नंबर आपने लिया वो नंबर खुद का जो है क्या होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिखा हुआ है, तो एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, टू। वन नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, टू है। तो टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये भी चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है। टू से स्टार्ट है, टू थ्री फाइव सेवन, नाइन नहीं होगा क्योंकि नाइन थ्री से भी कटता है, खुद से भी कटता है और वन से भी कटता है, ठीक है। टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवन, नहीं ट्वेंटी सेवन नहीं होगा आपका, ट्वेंटी नाइन हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपको कभी भी प्राइम नंबर में कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए P2 दो फैक्टर है। जैसे हमने 2 को लिया तो 2 के दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं, एक तो 1 हो गया और एक 2 खुद हो गया, हो गया इटसेल्फ हो गया। ऐसे ही आप कोई और डिजिट आप 19 ले सकते हैं, 19 को भी लेके देख लीजिए, एक तो 1 हो गया, एक ये खुद से हो गया इटसेल्फ। सो ये क्या है, इट इज़ अ प्राइम नंबर। क्या है ये, एक प्राइम नंबर है आपका, ठीक है। तो प्राइम नंबर को आई होप कि आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर को हम कैसे पहचानते हैं, सबसे छोटा कौन सा है। अगर आपको किसी भी दे दे कि 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर है तो आप इसी प्रकार से लिख लीजिए, या तो उसके लिए आप याद भी कर सकते हैं, बट याद करने से ज़्यादा बेटर है क्योंकि याद करने में क्या है कि कितनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि 50 तक 100 तक तो हम ऐसे ही आराम से बता सकते हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए बात आती है कंपोजिट की, तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है आप कह सकते हैं, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, द नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरह से सो ऑन। अब इसमें कैसे है तो देखिए, अगर हमने 8 लिखा तो 8 का फैक्टर आप देखिए कौन कौन सा है, एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया, 3 होगा नहीं 4 हो गया, फिर उसके बाद 8 खुद हो गया, 4 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, 4 भी होगा। आप कितने बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 4 है तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये सिर्फ 2 नहीं, आप इसमें 1 को भूल जा रहे हैं क्योंकि 1 सब में लाई करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे कहीं कहीं इस चीज़ को गलत कर देते हैं, तो जो हमारे लर्नर्स इस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान रखिए कि इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर पे वो प्राइम होगा, 2 से अधिक जाने पर कंपोजिट हो जाएगा। आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो। अब हम आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर्स में, बहुत ही ईजी है, बस ये याद रखिए कि इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है, एक तो ये हो गया, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड हो गया। बट अब इससे भी बेटर ये है कि नंबर्स जो एंड होते हैं अगर उनके लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपके उनके होता है 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट एंड होती है तो वो आपका इवन नंबर होता है। कौन कौन से डिजिट है, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये डिजिट एंड हो रही है दैट इज़ योर इवन नंबर, और अगर आपकी डिजिट एंड हो रही है 1, 3, 5, 7, 9, अगर इससे एंड हो रही है तो वो आपकी डिजिट हो गई ऑड नंबर। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं, 53, 66, 79, 81, 40, 46। अब हम इसमें बताएंगे पहले कि इवन नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आइए हम चेकआउट करते हैं, यहाँ लास्ट में क्या है 3, तो क्या ये इवन होगा, नहीं, ये है 6, 6 का मतलब ये इवन है आपका, 9, 9 होगा, नहीं होगा, 1, नहीं होगा, 0, ये इवन है, 6, ये भी इवन है। तो बस आपको लास्ट नंबर देखना है कौन सा है, 0, 2, 4, 6, 8 में हुआ तो इवन, और बाकी आपका ऑड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है तो ये आपका हो गया ऑड नंबर, यहाँ 9 है ये भी हो गया ऑड नंबर, ये भी हो गया ऑड, ठीक। तो इस तरीके से आप इवन और ऑड की पहचान कर सकते हैं आराम से। तो लर्नर्स आई होप कि आपके जो ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।